हेलो बच्चा लोगों, आई एम सिद्धार्थ सब्रवाल, रैंक 3 इंजीनियरिंग सर्विसेज 2015 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। बच्चा लोगों, अब बस 18 तारीख आने वाली है, आप लोगों का प्रीलिम्स का एग्जाम है। अब बस पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखिए, ठीक है। जो आप पढ़ चुके हैं, अब कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नया पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। जितना आपने पढ़ा हुआ है बस उसको अपने दिमाग में बैठने दीजिए, उसको अपने दिमाग में सेटल आउट हो जाने दीजिए। और कल जो कि सैटरडे है और परसों आपका एग्जाम है, कल बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मतलब पूरी रात पढ़ रहे हैं, पूरे दिन पढ़ रहे हैं। कल आप चिल्ड आउट हो सकते हैं मेरे बच्चों, आराम से। बहुत ज्यादा ईटिंग करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कम खाइएगा कल, ठीक है। और परसों के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखिए, एक हैप्पी एनवायरनमेंट बना के रखिए। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कि पेपर से पहले एक दिन पहले लूडो खेल रहा था अपनी फैमिली के साथ, तो वो भी आप कर सकते हो। तो बच्चा लोगों, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप मेहनत कर चुके हैं, अब बस उसको रिप्रेजेंट करना है। और अगर आप टेंशन लेंगे, अगर आप परेशान होंगे, अगर आप स्ट्रेस फील करेंगे, तो देन इन दैट केस बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगा और आप लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। इसीलिए कल बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, चिल्ड आउट रहिए, बिल्कुल भी किताबें ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपको सब कुछ आता है, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी काबिलियत पे विश्वास रखिए और आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। कल और परसों के लिए कुछ टिप्स मैं बताना चाहूंगा बच्चों। कल ज्यादा मत पढ़िएगा, ज्यादा ओवर ईटिंग मत करिएगा, बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को थकाने की जरूरत नहीं है, कोई गेम वगैरह खेलने की जरूरत नहीं है, लूडो वगैरह घर पे खेल सकते हो, ठीक है। अगली बात ये कर सकते हो कि जैसे कोई फॉर्मूला बुक आपने बना रखी है, कोई फॉर्मूला शीट आपने बना रखी है, उस फॉर्मूला शीट को गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं ये बोलना चाहूंगा, रात को देर तक बिल्कुल मत पढ़िएगा, ठीक है। आप बिल्कुल शाम के 6 बजे किताब बंद कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत खाना खा के रात को 8 बजे सो जाइएगा, कल की बात कर रहा हूँ, सैटरडे को। और परसों सुबह बिल्कुल फ्रेश उठिएगा, आप पहले से एकदम सेंटर को देख लीजिए कि हाँ भाई यहाँ मेरा सेंटर है। और याद रखिएगा बच्चों, सेंटर कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचना है, 1 घंटे से पहले पहुंच जाना, 1.5 घंटा पहले पहुंच जाओ सेंटर पे। क्योंकि क्या होता है, सरकारी स्कूलों में हमारे एग्जाम होते हैं तो कुर्सियां मेज टूटी फूटी रहती हैं, तो जाके जब आप पहले जाओगे तो हो सकता है आप चेयर अच्छे से सेलेक्ट कर पाओ, चेयर अगर आपकी टूट रही हो तो दूसरी उठा पाओ, तो बहुत सारी चीजें सेंटर पे होती हैं। एक और बात बताना चाहूंगा कि जो घड़ी रहती है आपकी, स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं करते वो लोग, ठीक है। और जो आपका राइटिंग पैड होता है वो आप ले जा सकते हो, कभी कभी अलाउ करते हैं, कभी कभी नहीं करते, किसी किसी सेंटर में अलाउ करते हैं, क्योंकि जो टेबल होती है वो टूटी फूटी रहती है तो लिखने में दिक्कत होगी, तो नीचे वाला जो राइटिंग पैड होता है वो आप ले जा सकते हो, अलाउ कर देते हैं कभी कभी वो। उसके बाद मैं ये बोलना चाहूंगा, जो घड़ी रहती है, स्मार्ट वॉच बिल्कुल मत लेके जाना, नॉर्मल सी जो घड़ी होती है, जो हमारी मम्मियों की घड़ी होती है बिल्कुल पतली सी टाइटन वाली, वो अलाउ कर देते हैं वो लोग, तो घड़ी जरूर लेके जाइएगा। इन बातों का ध्यान रखिएगा, सेंटर कम से कम 1.5 घंटे पहले पहुंचना है और आराम से पहुंच जाइएगा, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल ड्राइविंग नहीं करनी है कि खुद ड्राइव करके जा रहे हैं सेंटर तक पहुंच रहे हैं, नहीं, अपने घर में पापा मम्मी बड़े भैया छोटे भैया किसी को भी बोलो कि भाई सेंटर तक छोड़ के आओ, तो वो छोड़ के जरूर आएंगे, या दोस्त से बोलो, दोस्त छोड़ आएंगे अगर कोई और नहीं है तो बच्चा लोगों ड्राइव नहीं करना है, किसी और से बोलो सेंटर तक छोड़ के आएगा, तो वहां पे क्या है, टेंशन नहीं होगी, आराम से बिल्कुल चिल्ड आउट होके जाना और परसों के लिए एकदम तैयार हो जाइए, ठीक है। भगवान आप लोगों की जो आपने मेहनत करी है उसकी सफलता आपको जरूर मिलेगी, बस अपने ऊपर, अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, कूल होके जाइए, बिल्कुल पीसफुली जाइए, अच्छे से परफॉर्म करिए और ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट। बच्चा लोगों, बहुत अच्छे से पेपर करना है, ठीक है। ये पूरे साल की मेहनत, 1.5 साल की मेहनत है आपकी, जो आपको वहां पे रिप्रेजेंट करनी है। ऑल द बेस्ट।